नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ औरंगजेब का जन्म और हमने महाराष्ट्र में किया उसे दफन, संजय राउत की विवादित बोल। चुनावी समर में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा, औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ है, इतिहास देख लो, अहमदाबाद के बगल में दाहोद नाम का गांव है, औरंगजेब वहां पैदा हुआ है गुजरात में, इसलिए ये यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे औरंगजेब की तरह बर्ताव करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने की राहुल गांधी की तारीफ, जानिए क्या है इस वायरल पोस्ट की हकीकत। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब चौथे फेज की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आडवाणी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक बताया है। क्या राम मंदिर पर कांग्रेस लगाएगी बाबरी ताला, पीएम मोदी के आरोपों पर भड़की प्रियंका गांधी, जानिए क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब प्रियंका गांधी ने पीएम के इन आरोपों का जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने के भाषण को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की बाबरी ताला वाली टिप्पणी को झूठा बताया है। चुनाव प्रचार नहीं है मौलिक अधिकार, एससी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अंतरिम जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है और इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। लोकसभा चुनाव के बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, अकेली बीजेपी देश में। लोकसभा चुनाव में तीन चरणों की वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अकेली बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें पूरे देश में जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों के प्रति विश्वास है, इसलिए देश भर में अकेली बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी और 400 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। बीजेपी नेता ने नाबालिग बेटे से वोट डलवा सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, कांग्रेस ने घेरा तो हुआ एक्शन। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य द्वारा अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाने के वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक्शन लिया है। कलेक्टर ने बैरसिया एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। बैरसिया के खेतावास पीठासीन अधिकारी संदीप सेन भेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता विनय मेहर पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर कितनी वोटिंग, आ गया फाइनल आंकड़ा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 संसदीय सीटों पर हुई वोटिंग का फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। 7 मई को हुए मतदान में प्रदेश की 9 संसदीय सीटों पर कुल 66.74% वोटिंग हुई। आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़, शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में बम्पर वोटिंग हुई है। टी20 वर्ल्ड कप में वानिंदो हसरंगा होंगे श्रीलंका के कप्तान, एंजेलो मैथ्यूज समेत इन खिलाड़ियों को मिली जगह। टी20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका ने अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट में ऑलराउंडर वानिंदो हसरंगा श्रीलंका की अगुवाई करेंगे, वहीं चरित असलांका उपकप्तान की भूमिका में होंगे। आईपीएल में जलवा बिखेरने वाली मथीसा पथिराना और महेश थीक्षाना जैसे युवा खिलाड़ियों के अलावा अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में चुनाव के बीच किसकी तरफ है अल्लू अर्जुन, पवन कल्याण की पॉलिटिक्स पर दे दिया बड़ा बयान। आंध्र प्रदेश के सियासी घमासान में इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स का जलवा बखूबी दिखाई दे रहा है। अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण की एंट्री के बाद आंध्र का सियासी मुकाबला और भी रोचक हो गया। अब पवन कल्याण को फिल्म इंडस्ट्री से भी सपोर्ट मिलने लगा है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने ट्वीट करते हुए उनको समर्थन देने की बात कही है। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दे दी जमानत, जेल में ही रहेगा। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने आज यानी 9 अप्रैल नामांकन किया। इस दौरान एनडीए के कई नेता पहुंचे थे। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और हम संरक्षक जीतन राम मांझी भी शामिल हुए।
इस दौरान एक वाकये की काफी चर्चा हो रही है। थोड़े समय के लिए सम्राट चौधरी नाराज दिखे। दरअसल सम्राट चौधरी के जब भाषण शुरू हुए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कोई बात कह दी। इस पर सम्राट चौधरी गुस्सा गए और बीच में ही भाषण छोड़कर बाहर निकल गए और फिर गाड़ी में जाकर बैठ गए। लेकिन रामकृपाल यादव तुरंत उनके पीछे गए और उन्हें मनाकर वापस मंच पर लाए। उसके बाद सम्राट चौधरी ने भाषण दिया।